हाय दोस्तों, मैं हूँ अश्विन। और आज हम आपको वॉल पुट्टी कैसे मिक्स करते हैं वो दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये दो पत्रे लिए लोखंड के, और हमारे पास पहले से तो कुछ ये पुट्टी पड़ी थी, हमने बैग में रख के अलग किया है वीडियो बनाने के लिए। तो ये यूज़ करने वाले हैं, तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। और ये पानी लिया है टब में, आपको दिखा सके इसलिए। तो हमें इस बाउल में से पहले नीचे हमारी फ्लैट सरफेस पर पुट्टी डाल देते हैं। कुछ इस तरह से डाली, हम राउंड बनाएंगे इसको। हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं अभी इसको। फिर हम ऐसे अंदर शेप बना देंगे, जिसकी वजह से हम पानी डालें तो ये ज़्यादा फैले नहीं बाहर बाहर की तरफ। तो ऐसे करके हम ये कर लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले, थोड़ा सा ही, इतना सी ज़्यादा बाहर ना जाए वैसे। और इसको थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे। अभी पानी कम है तो हम अपने हिसाब से थोड़ा पानी डाल देते हैं, जैसे हम अच्छे से मिक्स कर पाए इसे ब्लेड की वजह से। अब देख सकते हैं मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको। थोड़ा आगे करके ऐसे खींच के ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि लापी में पानी डालने का मतलब कितनी ज़रूरत है। तो अभी ये हमारा तो हुआ नहीं है, इसमें हम और थोड़ा पानी डालेंगे। इतना पानी काफ़ी होगा, क्योंकि हमें उसे इतनी थिक भी लगानी कि दीवार पे टिक पाए। आपको दिखाने के लिए कम पुट्टी लिए। अगर आपको ज़्यादा करनी है पूरे दीवार के लिए, तो आप एक 20 लीटर बाल्टी लीजिए, और उसमें थोड़ा सा पहले पाउडर डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल दीजिए 1-2 लीटर, जिससे पाउडर हमारा नीचे चिपके नहीं। उसके बाद अपना जितना भी पाउडर है, 8-10 किलो जितना अपना मटेरियल चाहिए वो डालिए। और उसके बाद अलग से थोड़ा ऊपर 3-4 लीटर पानी डाल के अच्छे से हाथ से मिला सकते हैं। ध्यान रखें दाने ना पड़े वैसे। अगर आपको हाथ से नहीं मिलाना, आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी मिला सकते हो। थोड़ा ज़्यादा पानी है तो उसकी वजह से हम ऐसे थोड़ा सा और लापी पाउडर डाल के उसको मिक्स कर देंगे, तो अपने चाहिए उस हिसाब से बन जाएगा। तो देखो ये रेडी होने आया है। अभी इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, जिसकी वजह से इसमें दानी ना पड़े। क्या दानी पड़ेगी तो दीवार पे हमें सरफेस अच्छे से नहीं मिलेगी, क्या स्मूथनेस अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको मिला के रेडी कर देंगे पूरा। अब देख सकते हो मैंने जैसे मतलब ये पूरा पेस्ट बना दिया है, ये रेडी हमारा पेस्ट। हम इसको एक और बार ऐसे खींच लेंगे ब्लेड की मदद से, जिससे ये थोड़ा सा भी हो। आप देख सकते हो पूरा सरफेस कितना स्मूथ तरीके से मैं खींच रहा हूँ। ऐसे खींच के हम इसको लगाएंगे तो ये क्या पूरी अच्छी तरह से लगेगी। ये देखो ये हो चुकी है। हम इसको दूसरे ब्लेड में तैयार लापी को निकाल लेते हैं, बाकी इसको खींच के भी हम वैसे दूसरे ब्लेड में हमारे रख लेंगे। हमें इसमें पानी की मात्रा उतनी रखनी, मतलब समझ लो पाउडर 2 kg लिया है तो उसमें पहले 750 ml पानी डालना है और फिर मिक्स कर लेना है। अगर पाउडर हमें लगे कि नहीं पाउडर ज़्यादा है तो ऊपर हम उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। आपको तो हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे।